हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, मैं भी हूँ लैंसडॉन में। यहाँ मेरे पीछे जेट देख सकते हो। इस समय मैं अभी लैंसडॉन में हूँ और अभी 11 बज रहे हैं और थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम हो रखा है यहाँ। देख सकते हो आप, ये यहाँ अगर थोड़ा अच्छा लग रहा है। काफी टाइम बाद में लैंसडॉन आया हूँ, तो देख सकते हो। थोड़ा इधर जाके देखता हूँ मैं क्या क्या है यहाँ। और ठंडी और शांत जगह है, देखिए ये रोड, एक रास्ता जा रहा है यहाँ पे। हम इधर इधर साइड चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या है। यहाँ खर तो मजा आ रहा है। बहुत लंबे टाइम के बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ, लगभग 3-4 साल हो गए होंगे। 3-4 साल से मैं यहाँ आया ही नहीं हूँ। ये देखिए, और ये चट्टान है, इसके ऊपर चढ़ते हैं। ये चट्टान के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। ये हम देख सकते हो, हम चट्टान के ऊपर हैं। ये रही वो चट्टान। दोस्तों, मैं आपको एक कंडाली दिखाता हूँ। ये एक घास होती है, ये जो आप देख रहे हो, ये जरा सी भी लग जाए अगर शरीर में तो बहुत ज्यादा जलन सी और खुजली सी होने लग जाती है, आदमी रोने लग जाता है। बहुत भयंकर घास होती है ये, देखिए इसे कंडाली बोलते हैं। इसकी सब्जी भी बनाते हैं गाँव के लोग। वैसे ये पहाड़ों में ही होती है, हमारे कोटदार प्लेन जैसी जगहों में तो ये होती नहीं है। और ये बहुत गर्म होती है इसकी सब्जी, इसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ कंडाली कंडाली उगी हुई है। जो ये झाड़ी है, पूरी कंडाली की झाड़ी है। यहाँ आकर मजा आ रहा है। ये तो रास्ता पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल ठंडा और साफ रखा है अभी यहाँ पे। ये आप देख ही रहे हो, सड़क की आप सफाई भी देख सकते हो, कितना साफ इलाका है। क्योंकि ये आर्मी की छावनी है, यहाँ आर्मी वाले रहते हैं। वो देखो, आप जैसे देख सकते हो, वहां पे लिखा है कालू डांडा। ये गाइस, मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ और अब थोड़ा आगे जा रहे हैं लैंसडॉन में। सो मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या क्या है। और